हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अक्षय राठौड़ है और मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ और सर्टिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। पिछले 6 साल से मैंने के फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और बहुत से लोगों को मैंने फैट लॉस के लिए, मसल गेनिंग के लिए उनको ने के हेल्प किया है। ओके, सो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, आज का टॉपिक होने वाला है फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। सो दोस्तों, आज चलते हैं हम सबसे पहले चीज़ जो कॉमन पर्सन के मुँह पे ने के एक शब्द आ जाता है, उसे कहते हैं वेट लॉस। सो दोस्तों, वेट लॉस जो चीज़ होती है वो क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। वेट लॉस एक ऐसी चीज़ होती है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेट लॉस किस प्रकार से किया जाता है और फैट लॉस किस प्रकार से किया जाता है। सो वेट लॉस जो होता है आपके बॉडी में, जैसे कि मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में ऑर्गन्स है, उसके बाद में आपके बॉडी में मसल्स है, उसके बाद में आपके बॉडी में गुड फैट है, आपका नहीं क्या पानी का वेट है, ब्लड का वेट है। ओके, ये हो गया आपका बॉडी का कंपोजिशन। ओके, सो इस कंपोजिशन को नहीं कि आप कम नहीं कर सकते हो, इट्स अ गुड वेट। ओके, उसके बाद में बैड वेट जो होता है वो होता है आपका फैट। ओके, सो लोग जब नहीं क्या वजन कम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बहुत से नहीं कि चीज़ें नहीं क्या मिस कर जाते हैं, यानी कि खाने में नहीं क्या बहुत से मिसकंसेप्ट नहीं क्या वो खाना स्टार्ट कर देते हैं और एक्सरसाइज भी गलत तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से लोग तो मैंने देखा है सिर्फ वो कार्डियो ही करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ कार्डियो वगैरह करने की वजह से आपके मसल ने के डैमेज होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर आप अगर प्रोटीन सही तरीके से, सही मात्रा में आपके बॉडी को कितना लगता है उतना अगर नहीं लेते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको प्रोटीन बेस ने क्या आपका ने क्या खान पान अच्छा रहना चाहिए, तब जाके आप ने क्या अच्छी तरीके से फैट लॉस कर सको, ना कि वेट लॉस। सो वेट लॉस में क्या होता है, आपका अच्छा वज़न भी कम हो जाता है और आपका मसल्स का वज़न भी कम हो जाता है और आपका वेट जो होता है वो भी कम होता है। फिर आपको क्या लगता है कि 2-3 महीने के बाद में उस पर्सन को वीकनेस बहुत आता है। ओके, यानी कि थकान बहुत स्टार्ट हो जाती है, तो थकान की वजह से फिर उन्हें अदर ने क्या डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये रहा अपना वेट लॉस। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है फैट लॉस। अब फैट लॉस में क्या किया जाता है, सो फैट लॉस में क्या कंपोजिशन बता देना चाहता हूँ कि मेंस में जो होता है फैट सबसे ज़्यादा फेस के नीचे, पेट के नीचे, लव हैंडल्स एंड बैक पोर्शन। ओके, और बहुत कम पुरुष होते हैं जिनके नहीं क्या लोअर बॉडी पे नहीं क्या फैट होता है। ठीक है, बट यही चीज़ अगर देखा जाए एक फीमेल बॉडी में, तो फीमेल बॉडी में क्या होता है कि ओवरऑल यहाँ से लेके, ओके, सर से लेके तो पाँव के नाखून, तो पूरे बॉडी पे फैट ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो बॉडी होता है वो पूरा फैट से होता है, मसल बहुत कम कैरी करते हैं। अब ऐसे समय आपको फैट लॉस में क्या करना होता है, तो फैट लॉस में आपको सबसे ज़रूरी होता है प्योरली आपका सिर्फ शरीर में से चर्बी आपको ने क्या घटानी होती है। अब चर्बी घटाने के लिए बहुत से मिसकंसेप्ट निकल लोग करते हैं, कोई नहीं क्या पानी भी नहीं क्या हनी डाल के पी लेता है, कोई लेमन हनी ऐसे डाल के पीता है और वो 21 दिन तक करो यानी कि आपका फैट लॉस होगा। सो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, वो आपका वेट लॉस होता है। फैट लॉस करते समय आप में नहीं क्या स्ट्रेंथ गेन होता है और आपका फैट नहीं क्या लूज़ होता है, और वही वेट लॉस में क्या होता है कि आपका स्ट्रेंथ लॉस होता है और आप वीक हो जाते हो। तो चूज़ आपको करना है दोस्तों, फैट लॉस करना है या वेट लॉस, ये मैंने आपको समझा दिया है, शॉर्ट इसमें समझ गया। अगर नहीं समझा होगा तो फिर से आप इसको रिपीट नहीं क्या सुन लीजिए और रिपीट सुन के नहीं क्या दूसरों लोगों को भी शेयर कीजिए। यहाँ तक ये अपना टॉपिक था, इसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, यानी कि आने वाले जो नए वीडियोस होंगे वो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच दोस्तों।